तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? आप देख रहे हो ऑनली क्वेश्चन हब। मैं सिर्फ अभिनय चौधरी आप सभी का स्वागत करते हैं आपकी ऑनली क्वेश्चन हब चाल में। दोस्तों, पटना यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ी बेटा है कि आप सभी के देख पा रहे हैं यहाँ पर यूजी एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के। तो आखिर क्या बेटा है, चलो बताते हैं। दोस्तों, अपडेट पढ़ने को जा रही है पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से। देख पा रहे 12 और 13 जुलाई को होगा आपका एंट्रेंस टेस्ट। ये दोस्तों आप सभी की जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाली थी, देख पा रहे यूजी रेगुलर वोकेशनल कोर्सेज की एडमिशन के लेकर के। दोस्तों, डेट में थोड़ी बदलाव आ गया, डेट में थोड़ी चेंजेस आ गई है, क्योंकि पढ़ने को जा रही है कि पटना यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ा अपडेट अभी भी आया कि 12 व 13 जुलाई को होगा आप सभी के एंट्रेंस टेस्ट। आइए पढ़ते पूरी डिटेल में कि पटना यूनिवर्सिटी में 12 व 13 जुलाई को एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। 12 जुलाई को कॉन्कॉर्ड विषय का वो देखो, 12 जुलाई को सामान्य यानी रेगुलर कोर्सेज स्नातक के, देख पाओ यानी बीए बीएससी बीकॉम आप सभी का दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम होगा 12 जुलाई को, जो कि आपने अप्लाई किया था एडमिशन के लिए 22 से आपको यहाँ पे 25 के सेशन में। और बात करें यहाँ पे 13 जुलाई को वोकेशनल कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट आयोजित होगा। 13 जुलाई को वोकेशनल यानी बीबीए बीसी अभिषेक वोकेशनल कोर्सेज आप जो एडमिशन अप्लाई किया था पटना यूनिवर्सिटी में, तो 22 के सेशन में दोस्तों आप सभी के यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम वोकेशनल वाले का 13 जुलाई को होगा और रेगुलर कोर्स वाले का 12 जुलाई को होगा। अब देखो यहाँ पर आगे पढ़ो, पहले यह टेस्ट 9 और 12 जुलाई को किया जाना था, लेकिन टेस्ट के बाद एक सप्ताह के भीतर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों रिजल्ट कब आएगा, तो आप जैसे टेस्ट जो है उसके एक वीक के अंदर ही रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा वो देखो यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों चयनित छात्रों को चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा। दोस्तों जैसे आप टेस्ट दे देते हो, पहले तो दोस्तों आप सभी ने अप्लाई कर दिया था एडमिशन के लिए पटना यूनिवर्सिटी में यूजी रेगुलर वोकेशनल कोर्सेज में, ठीक है। अब दोस्तों आपने जो अप्लाई किया था, अब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, मैंने कि बता दिया यहाँ पर कि रेगुलर ग्रेजुएशन के रेगुलर कोर्सेज का 12 जुलाई को होने जा रहा है, वोकेशनल कोर्सेज का 13 जुलाई को। फिर दोस्तों आप जैसे एग्जाम दोगे उसके एक सप्ताह के अंदर देख पर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। फिर इसके बाद चयनित छात्रों को चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। छात्र जिन विषयों में नामांकन लेना चाहते हैं वे कॉलेज और विषय चुनेंगे। जिस तक देख पा रहे दोस्तों, अभी भी आप जो सभी जो विषय चुनने का मौका नहीं मिल पाया था, पढ़ो कैसे कब चुनना है कि देख पा रहे हो। अब जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आप सभी को चॉइस फिलिंग का मौका मिला दिया जाएगा, यानी चॉइस फिलिंग आपको करनी है। तो छात्र जिन विषयों आपको जो भी विषय में नामांकन लेना है, आपको वो कॉलेज और आपको कोर्स का चॉइस फिल करना है। इसके बाद छात्रों की मेरिट लिस्ट देख पा रहे हो, मेधा सूची और आरक्षण के आधार पर बनेगी। उक्त लिस्ट के अनुसार छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व नामांकन लिया जाएगा। स्टूडेंट्स वेलफेयर डीन प्रोफेसर अनिल कुमार ने बताया कि एंट्रेंस टेस्ट को लेकर मंगलवार को ही बैठक में निर्णय लिया गया, अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी जाएगी। वही पढ़ पा रहे छात्रों को दिए जाएंगे सिर्फ 5 चॉइस। जी दोस्तों, आपको सिर्फ 5 चॉइस दिए जाएंगे। क्या 5 चॉइस, आइए पढ़ते हैं पूरी जानकारी। पढ़ने के लिए दोस्तों इस बार किस बार पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों को कॉलेज और विषय यानी कोर्स और कॉलेज चुनने के लिए 20 चॉइस नहीं दिया जाएगा। आपको 20 चॉइस फिल नहीं करना है, छात्रों को सिर्फ 5 चॉइस दिए जाएंगे। आपको सिर्फ आपके पास सिर्फ 5 ही ऑप्शन रहेंगे, 5 कॉलेज का ऑप्शन रहेगा, 5 कोर्सेज का ऑप्शन रहेगा, ठीक। देख पा रहे हो सामान्य कोर्स में छात्र 5 चॉइस चुन सकेंगे, ठीक है। मतलब आपको 5 चॉइस चूज करना है, आपको किस कॉलेज में लेना है, आपको किस कोर्स चाहो तो कोर्स भी चेंज कर सकते हो, बस सामान्य तो सामान्य वाले ही। और वोकेशनल में भी दोस्तों आपको 5 चॉइस ही चुनने का मिलेंगे ऑप्शन। आप चाहो तो बीसीए बीबीए, ठीक है, बीबीए में सभी कोर्सेज का चॉइस फिल कर सकते हो, किस कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन अवेलेबल कर दिए जाएंगे। जिन्होंने दोनों कोर्स के लिए आवेदन किया है, अब दोस्तों आपने बहुत सभी लोग दोनों कोर्स के लिए आवेदन किया होगा, यूजी वोकेशनल रेगुलर जो मिल जाए उसमें ले लेंगे एडमिशन, वो समझिए। तो वे उनके पास दोस्तों 10 चॉइस मिलेंगे, आपको 10 चॉइस मिलेंगे, 5 आपको रेगुलर के, 5 आपको वोकेशनल के। अब आगे पढ़िए, पिछले बार कॉलेजों को 20 चॉइस चुनने का ऑप्शन दिया गया था, इस वजह से कई छात्रों को वैसे विषय चुनने पड़े थे जो वो पढ़ना भी नहीं चाहते थे। इसीलिए देख पा रहे पटना यूनिवर्सिटी इस बार ये व्यवस्था रखी गई आप सभी के अपना यूजी के रेगुलर बोर्ड के वोकेशनल एडमिशन में। अब दोस्तों ये बताते ही आपका जो यहाँ पर 12 जुलाई से आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है एडमिशन का, दोस्तों आखिर एडमिट कार्ड कब आएगा? दोस्तों बात करें एडमिट कार्ड आपका यहाँ पर 10 जुलाई, जिसमें बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एडमिट कार्ड आपका यहाँ पर 10 जुलाई तक एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड 10 जुलाई का, आप उसको डाउनलोड कैसे करोगे, कहाँ मिलेगा एडमिट कार्ड वो जानते हैं। दोस्तों एडमिट कार्ड आपका यहाँ पर आएगा पटना यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन आएगा, pup.ac.in। जी दोस्तों यहाँ पर आपको आना होगा, फिर 3 डॉट पर आपको क्लिक करिए और यहाँ पर स्टूडेंट कॉर्नर पर दोस्तों आपको क्लिक कर देनी होगी और ऑनलाइन एप्लीकेशन यूजी वोकेशनल रेगुलर देख पा रहे हो। दोस्तों यहाँ पर आप वो लिंक पे क्लिक कर दोगे, फिर देख पा रहे आपको यहाँ पर ये लिंक खुल जाता है। दोस्तों आपको यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा यूजी रेगुलर अप्लाई किया था रेगुलर वाले ऑप्शन पर, या वोकेशनल चूज़ किया था वोकेशनल वाले ऑप्शन पर। चलिए मैं रेगुलर पे अगर क्लिक करता हूँ, फिर उसके यहाँ पर आपको कुछ लॉगिन डिटेल्स आपको मिला था, एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपके लॉगिन सेक्शन में आपको आपका एप्लीकेशन का डाउनलोड करने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन का दोस्तों 2 कॉपी में होगा, एक कॉपी आपको पास में रखनी होगी, एक कॉपी आपको वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम ऑफिस में जमा कर दी जाएगी। उसमें आपको डिटेल्स दिया रहेगा कि आपका
किस कॉलेज में कितने बजे आप सभी का इंट्रेंस एग्जाम शुरू होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे आज की पटना यूनिवर्सिटी यूजी देख लो वोकेशनल एडमिशन इंट्रेंस टेस्ट को लेकर बहुत बड़ा अपडेट। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपने अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।